चलिए दोस्तों जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट्स में। पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राम मंदिर तैयार होने की तारीख जारी, अमित शाह ने कहा राहुल गांधी नोट कर ले, 1 जनवरी 2024 को बन जाएगा राम लल्ला का मंदिर। भारत जोड़ो यात्रा यूपी से हरियाणा पहुंची, जयराम रमेश बोले 2023 में पश्चिम से पूरब तक होगी यात्रा। गरीबों पर महंगाई की मार, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार हुआ गेहूं, आटा भी हुआ महंगा। मोदी सरकार ने बंद की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अब सिर्फ 5 किलो मिलेगा राशन। उत्तराखंड में बड़ी तबाही की दस्तक, 500 घरों में दरार के बाद फटने लगी जमीन, धसने लगी दीवारें। गदर 2 से सनी देओल का फर्स्ट लुक हुआ रिवील, बैलगाड़ी का पहिया हाथ में उठाए दिखे तारा सिंह, 22 साल बाद रिलीज होने जा रहा फिल्म का सिक्वल। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान कर रहा नोरा फतेह को डेट, सामने आ रही दोनों की एक ही जगह की फोटोज। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, हरियाणा में हर तीसरा शख्स बेरोजगार, पंजाब की स्थिति बेहतर। टॉमी ने लॉन्च की 5G स्मार्टफोन सीरीज, रेडमी नोट प्रो प्लस में मिलेगा 200 मेगापिक्सल कैमरा। गेहूं के बाद अब चावल की कीमत में 15% की बढ़ोतरी, 110 रुपए किलो हुआ रेट। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 500 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार 18 जनवरी तक करे आवेदन। महंगाई का झटका, CNG की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, बढ़ेगा आपका वाहन का किराया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का आदेश, जहां 5 डिग्री पारा वहां कर दे स्कूलों को छुट्टी। BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट, लौट आया जंगल राज। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीमा से सटे इलाकों पर 2 महीने के लिए लगा नाइट कर्फ्यू। नासा ने दुनिया को किया आगाह, कहा भूमाफिया चीन अब चांद पर करेगा कब्जा। भगवंत मान सरकार ने किया वादा पूरा, पंजाब के 90% परिवारों का बिजली बिल माफ। ठंड को लेकर यूपी में IMD का रेड अलर्ट, 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। कर्नाटक जीत के लिए BJP का प्लान रेडी, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे JP नड्डा। ऑटो सेक्टर में भारत ने लहराया परचम, जापान से लेकर जर्मनी तक को छोड़ा पीछे। आसमान छूने लगी सोने की कीमत, आज ताबड़तोड़ बड़े दाम, कीमत में हुई 5600 रुपए की बढ़ोतरी। 26 जनवरी से पहले किसानों के खाते में पहुंचेंगे PM किसान योजना की 13वीं किस्त 2000 रुपए। जन आभार रैली में गरजे CM सुक्कू, कहा हिमाचल में नौकरियों की बिक्री नहीं होने देंगे। कोरोना को लेकर भारत में अलर्ट, 24 घंटे में हुए 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में आए 256 नए केस, 6 की मौत।